नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका स्वागत है। वंचित प्रकरण हमारे विद्वान साथियों का चल रहा है रीट 2016 और 18 को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग और ऑलमोस्ट अंतिम हियरिंग के तौर पे आज हमें उम्मीद थी कि इस पर हियरिंग होगी। जो रिजवाइंडर हमारी ओर से व्यापक 12-13 बिंदुओं को लेकर के पेश किया गया है, जिसमें ज़्यादातर बिंदु ऐसे हैं कि वो सारे ही सही हैं 99%। उनका रिप्लाई पेश होना था, रिप्लाई पेश आज हो जाता तो आज ही इस पर फाइनल बहस हो जाती। शुरुआत में ही लिस्टेड था मामला, ऑलमोस्ट जो भी आपके प्रकरण हो टैग थे आपस में, लेकिन रिप्लाई पेश नहीं होने से पिछले दौरान जो छुट्टियां रही हैं इसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाए शायद रिप्लाई की, और अंतिम तौर पर इसमें रिप्लाई पेश के लिए समय दिया गया है सामने वाली पार्टी को, और उन्होंने चल करके विशेष रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें जो रिजवाइंडर पेश हुआ है उसका बिंदुवार रिप्लाई पेश करना हमें अंतिम तौर पर समय दिया जाए, तो समय दिया गया है और 14 तारीख को इस मामले में फाइनल बहस हो जानी चाहिए। पूर्ण उम्मीद है कि आपके जो फैक्ट्स हैं, आपकी जो पीड़ा है, मजबूती से रिटर्न में रिट की मार्फत और उसके बाद जो परिस्थितियाँ उभरी, आपने मेहनत की और पूरी परिस्थिति उभर के आएगी, किस कारण से पोस्टें इतनी वैकेंट रहेगी, कितनी पोस्टें हैं, पूरा डेटा जब रिजवाइंडर की मार्फत पेश किया गया और उसके हमें नहीं लगता कि किसी भी बिंदु के डिनाई किया जाएगा, उन बिंदुओं का जवाब पेश होना था और आज फाइनल बहस होनी थी, लेकिन वो प्रिपरेशन नहीं रहने अपोनेंट पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टी उसके लिए जवाब तैयार नहीं कर पाई थी, तो अंतिम तौर पे उन्होंने इस पर समय दिया है कि हम संबंधित रिजवाइंडर का और साथ में अलग अलग डेटा एक अलग से जो रिट थी उसका पेश होना है, उस वजह से 2 हफ्ते के लिए आगे समय दिया गया है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि 14 तारीख को इस मामले की फाइनल जो हियरिंग है वो होगी और निश्चित तौर पे न्याय अपने को स्थापित करेगा, पीड़ित साथियों को उसमें न्याय मिलेगा। सभी साथी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मेरा खुद का भी बिजी शेड्यूल रहा है इतने बड़े आयोजन के बाद और लगातार इतना लंबा सफ़र करना, और उस सफ़र के बाद यदि फिर आगे डेट मिलती है तो ज़रा निराशा हमें होती, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेजेंट रह करके सारी चीज़ें आपके सामने रखना तो बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी हमारे मिशन के विद्वान साथी जो इस मामले पर हंड्रेड रहे हैं, आपने देखा ही होगा, बड़ी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपकी पीड़ा को खुद की पीड़ा समझ करके पैरवी की जा रही है, तो निश्चित तौर पे आप इतने ज़्यादा अधीर ना हुआ करें। 10:15 बजते ही 10:30 11 बजे आपका मैसेज आने लग गया। विद्वान साथियों, या तो विधवता है नहीं आप में, या फिर विधवता में कुछ महत्वपूर्ण जो संकेत हैं जिन्होंने बहुत कुछ इस देश दुनिया को पढ़ने के बाद जो जारी किए थे पूर्व के ज़माने में, उनको ध्यान रखा करें। नीति शतक में महान प्रकांड ज्ञानी भर्तृहरि जी ने कहा है कि युद्ध में पराक्रम, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में सहनशीलता और सभा में बोलने की योग्यता, ये विद्वान जनों में स्वाभाविक तौर पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी एक डेट मिल गई तो तुरंत ही हमारा 6 नंबर पे लिस्टेड था, 10 नंबर क्यों चल पड़ा, 15 नंबर क्यों, इतना देखोगे, हमें तो आज तक ऐसा देखने वाला नहीं मिला कोई भी। जिन लोगों ने इस प्रकार के इस नंबर देखे हैं उनको मेरे हिसाब से न्याय मिला भी नहीं। स्पेशल एजुकेशन के कुछ मैटर हमारे पास आए थे, जो ही केस की शुरुआत होती थी वो देखने लग जाते थे, कुछ नहीं मिला उनको, चले गए खाली हाथ। तो इसलिए जब आपने अपनी पीड़ा को समझदार लोगों के हाथ में सौंपा है तो हमें उनके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी स्टेज से किसी भी तरीके से कमज़ोर रहें, तो आपको सिर्फ धीरज बनाए रखना है, और बावजूद इसके अधीरता आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अधीरता जो है आपकी किस्मत के साथ चलने लग जाती है। तो इसलिए निश्चिंत रहा करें, जितना प्रोसेस इतने बड़े संघर्ष को यहाँ तक लाया गया है, यदि हम एक एक बिंदु की तरफ ये देखने लग जाते कि अब 11 बज गए, 12 बज गए, अब क्या होगा, हमारा तो इतिहास रहा है कि न्यूज़ आपको शायद टीवी से पहले मिली होगी, हमने बाद में बताया होगा, उन बातों को याद रखें, इतिहास को बुलाएं ना आप लोग। इसके अलावा विद्वान साथियों ने आज अलवर में आदरणीय सीएम साहब का प्रोग्राम था, शिव कुमार जी और उनकी टीम ने किशनगढ़ बास विधायक आदरणीय दीपचंद जी खैरिया की मार्फत आपकी पीड़ा को वहां भी रखा है मंच के ऊपर मजबूती के साथ, और उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है कि मामला हमारे संज्ञान में है और हम इसके निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। बाकी विद्वान साथी भी अब आपको 10-12 दिन का पुनः टाइम मिला है, निश्चित तौर पे जो आप प्रयास कर रहे हो, जो जारी रखे हो अलग अलग स्टेज से, उनको आगे बढ़ाएं, और लीगल स्टेज 14 तारीख को आगे बढ़ेगी, डिसाइड होगी। उसके लिए एक रिजवाइंडर जो हमने व्यापक तैयार किया है उसका जवाब 1-2 दिन पहले हियरिंग से अपने एडवोकेट के पास आएगा, और उसके ऊपर फिर फाइनली बहस होगी। आप विद्वान साथी निश्चिंत रहें,
ये मिशन जो है ये आपकी सेवा और आपकी पीड़ा को सार्थक रूप से संबंधित एजेंसियों के सामने रखने के लिए रखा गया है, बना हुआ है। किसी भी प्रकार के यदि डाउट है तो आप आयोजन के एक एक बिंदु के एक एक पल को जो अभी दो चार दिन पहले था उसको सुनिएगा। 5-5.5 घंटे के उस प्रोग्राम को, कितने बड़े बड़े लोगों ने आपके इस संघर्ष की दाद दी है, बढ़ाई दी है और सहयोग किया है, सुनिएगा उनको। प्रतिष्ठा अनेकों लोगों की दांव पे होती है मिशन में, केवल आपकी नहीं होती। तो विद्वान साथियों से उम्मीद है कि शायद आप समझ गए हो कि चलते चलते मेरे को समय मिला और इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ। इससे पहले आपके 50 कॉल आ गए, कम से कम जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से निकल फ्री तो होने दिया करो ना, उसके बाद अपडेट करें। तो निश्चिंत रहिए विद्वान साथी, आप पीड़ित हो, आपको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास जारी है। निष्कर्ष डिक्लेयर करने का हमें कोई राइट नहीं है, वो व्यापक एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से आपको गुजर रहे और उससे गुजरना पड़ेगा तब निष्कर्ष निकलेगा। औरों की तरह हमारे काम नहीं है उन छदम संघ महासंघों की तरह कि आपको ये बता दें आज ये हो गया कल ये हो जाए, वो भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए आप प्रयासरत हो। पीछे भी आपने प्रयास किया, सफलताएँ मिली और दुनिया के सामने आपको सच्चाई को स्थापित किया, छदम लोगों को बेनकाब किया। बेनकाबी के दौर में जिसको भी जो भी डाउट है, फाइट फॉर राइट की जो सेकंड एडिशन प्रकाशित हुआ है अभी ओपन है सबके सामने, जो विद्वान साथी पहुंचे उनको एक एक प्रति दी गई है, बाकी भी अभी उसको जो भी है PDF बना करके आप तक शेयर किया जाएगा। पढ़ें उनको ध्यान से, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का।